जिला कुल्लू से बागवानी के डिप्टी डायरेक्टर श्री बीआर चौहान ने पंजाब सवेरा के साथ विशेष बात करते हुए बताया कि बागवानी के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं जिससे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रेम वर्मा की रिपोर्ट। और काफ़ी सारी लोगों की डिमांड भी है, हम लोगों को 80% पर ओला अवरोधक जालियों में अनुदान उपलब्ध करवा रहे हैं। कुल्लू में अधिकतर लोग पहले सेब की तरफ अपना रुझान रखते थे, लेकिन कुछ वर्षों में देखा गया है, खासकर कुल्लू की लग घाटी में जापानी फल को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और लोगों की आर्थिकी भी मजबूत हुई है, अच्छे दाम मिले हैं जापानी के। तो क्या कोई विशेष योजना है जापानी फल को प्रमोट करने के लिए, या लोगों को कोई पौधे वितरण करने के लिए, या कोई खास स्कीम है आपके पास कि जापानी फल को प्रमोट किया जाए अच्छे लेवल पे? जापानी का वैसे जिला कुल्लू में काफ़ी मतलब विकसित हो रहा है, तो इसके लिए हम अपनी जो हमारी MIDS स्कीम है जिसमें नॉर्मल स्पेसिस में प्लांटेशन लगता है या हाई डेंसिटी में प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम अपनी स्कीम में लगभग फार्मर्स को अनुदान प्रोवाइड कर रहे हैं।